अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करती हूं आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूं अपना वो वेट लॉस जर्नी जो मैंने पहले किया था। मैं अभी भी वेट लॉस जर्नी पर हूं, लेकिन जो मैंने पहले वेट लॉस किया था मैं आज आपको उस बारे में बताऊँगी। तो मेरा वेट था 86 kg और मैंने 20 kg अपना वेट लॉस किया था बिल्कुल होममेड फूड से, ख़ुद की रेसिपीज से। और मतलब कोई जिम नहीं, कोई एक्सरसाइज में लाइट लाइट घर में कभी कर लिया करती थी और कभी नहीं भी करती थी। वॉक हल्की फुल्की करती थी, मतलब असल जो मेरा कॉन्सेंट्रेट था वो था डाइट पे। तो ये थी मैं पहले जब मेरा वेट था 86 kg। ये स्टिकर्स की वजह से आपको जितना ज़्यादा फील ना हो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी, बहुत ज़्यादा मोटी थी। तो ये दूर से पिक्चर है, तो ये पुरानी वाली मैं थी और अभी आगे आपको मैं अभी वाली भी शो हो जाऊंगी। अभी मैं इतनी मोटी नहीं हूँ, लेकिन यह है कि अभी भी वेट है मेरा, क्योंकि अभी मेरा पोस्टमार्टम वेट है जो कि मुझे लॉस करना है। मेरा बेटा हुआ है, तो बेटे की वजह से मेरा प्रेगनेंसी में वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मैं अभी उसी की कोशिशों में हूँ। उसकी आवाज़ भी आपको आ गई होगी। वो अभी 6 months का है और मैंने अभी वेट लॉस स्टार्ट कर दिया है अपना। मुझे करते हुए तकरीबन, जैसे मैं आपसे के साथ शेयर कर रही हूँ, आज मेरा है डाइट का day 7 और इसके साथ मैंने सोचा आपको पिछली जर्नी भी शेयर करूँ। तो ये मैं थी और अभी भी मैं इतनी मोटी नहीं हूँ, लेकिन अभी भी मेरा वेट है। मेरा वेट है इस वक्त, जब मैंने स्टार्ट लिया था ना, तो तब मेरा वेट था 86 अगेन। मतलब मैं ये अभी की बात कर रही हूँ, 86 अभी भी था। फिर मैंने तकरीबन 1 महीने में 6 kg लूज़ किया और उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद, क्योंकि ऐसी बात है, बेटा है, छोटा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अब जो है मेरा वेट है इस वक्त 77 kg। और ये 2 kg जो है ना मेरा इन दिनों में गिरा है, सिर्फ ये जो 1 हफ्ता 10 दिन में गिरा है, बस ये समझ लें आप लोग। तो मैं आज आपसे शेयर करने लगी हूँ वो चीज़ें, वो टिप्स, वो सीक्रेट्स, जिससे आप भी बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से वेट लॉस कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगी, सबसे पहले अगर किसी को कोई इशू है, ऐसा इशू जो कि मेडिकल इशूज़ हो, मेडिकल हिस्ट्री हो, सो आई वुड सजेस्ट यू टू के कंसल्ट करें डॉक्टर से एक दफ़ा लाजमी। और अगर नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं, अगर आपका वज़न कोई बैड हैबिट्स ओवर ईटिंग की वजह से है, तो बिलीव मी आज की वीडियो कुड बी द मैजिक फॉर यू। अच्छा, सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग जो है ना समझने के लिए, तो ये है कि व्हाई डू वेट लॉस प्लानिंग फेल, हमारी वेट लॉस की प्लानिंग फेल क्यों हो जाती है, मींस कि हम करते करते क्यों छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है कि बॉडी और हमारा माइंड, ये कोऑर्डिनेशन में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि माइंड के अंदर ना हमारा ये सेट नहीं होता कि हमें करना है वेट लॉस। सबसे पहले अपने अपने दिमाग में बिठा लेना है, आपको हिट करनी चाहिए कोई ऐसी बात, जिस तरह मुझे की थी। मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, लेकिन मुझ पर अच्छे नहीं लगते। मुझे ये बात बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, तो मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया ना। मेरे कभी हस्बैंड ने बोला, कभी किसी ने नहीं बोला, लेकिन यह कि लोग बोलते थे कि दुबली हो जाओ ये वो, लेकिन नहीं असर पड़ता। जब आपका खुद एक बात आपको ना दिल पे ना लगे, तो मुझे दिल पे ये बात बहुत लगती थी कि मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन जब मैं पहनती हूँ मुझ पे सूट नहीं करते, मेरे वज़न ऐसा था। तो फिर मेरा जो ना माइंड बन गया था और मैंने अपना वेट लॉस स्टार्ट किया। इसी तरह जो है ना, आप भी अपने दिमाग में ये बात लाएंगे ना, तो आपका माइंड जो है आपकी बॉडी को मैसेज करेगा, और जब कोऑर्डिनेशन हो जाएगा ना दोनों का, तो इंशाल्लाह वेट लॉस कर पाएंगे। और अगर आप क्यों नहीं करते, क्यों छोड़ देते हैं वेट लॉस, वो इसीलिए कि बीच में जो है चीटिंग आ जाती है। आप चीटिंग कर लेते हो, आपका माइंड सेट नहीं होता, तो आप चीटिंग स्टार्टिंग में बहुत कम करें, उसके बाद इंशाल्लाह आप आगे जब 1 month गुजर जाए या तकरीबन 2 month गुजर जाए, मैं कहती हूँ कि अगर आप चलो 1 month भी आप कर लो तो बहुत बड़ी बात है, उसके बाद आप 1-2 दिन चीटिंग कर सकते हो, ठीक है जी। कोई आपने लेथार्जिक फूड नहीं लेना, और आपने कंज्यूम करना है ओनली होम फूड, घर का खाना आपने लेना है बिल्कुल, कोई इसमें जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी जो भी घर में आपके होता है आप वो खाओ, सिर्फ क्वान्टिटी उसकी कम कर दो, ठीक है। आप जो है जिस तरह मैं बता रही हूँ उसको आप चेंज कर सकते हो, उसका कोई सब्सटीट्यूट खाना ले सकते हो, जो मैं ले रही हूँ आपको वो समझ नहीं आ रहा, तो आप उसके सब्सटीट्यूट कोई दूसरा ले लो। अपने आप को स्ट्रेस मत दो, कभी भी दिमाग पे अपना स्ट्रेस मत डालो, ईजी भले से कम वेट लॉस हो, लेकिन आप ईजी तरीके से स्लो करो, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो वेट लॉस तो हो रहा है ना, तो भले से देर से हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो जिस तरह का मैंने आपको वीडियो दिखाई है, तो मैं स्टार्टिंग में जो है ना, मैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं कावा लाजमी लेती हूँ, ठीक है, कावे से ये होता है कि आपका इंच लॉस होता है, वेट तो जाता ही जाता है डाइट से, लेकिन कावे से और कॉफ़ी वगैरह से आपके इंच लॉस होता है।
कावे से, कॉफ़ी से आपकी बॉडी जो है लूज़ नहीं पड़ती, आपका जो है ना बॉडी में एक अच्छा सा कट होता है। जैसे कि सपोज़ अगर एक लड़की को या एक वुमेन बॉडी को 2000 कैलोरीज़ की नीड है, ठीक है, फ्यूल चाहिए होता है हर चीज़ में चलाने के लिए, फ्यूल चाहिए, तो हमारी बॉडी को भी चलाने के लिए 2000 कैलोरीज़ चाहिए सारा दिन के लिए। यहाँ तक कि जब हम सोते हैं ना तो भी हमारी कैलोरीज़ बर्न हो रही होती हैं, उसके लिए भी हमें जो है कैलोरीज़ चाहिए होती हैं। तो इस तरीके से हमने 2000 कैलोरीज़ नहीं लेनी। अगर हम 2000 से कम लेना शुरू कर देंगे, हमने 1200 अगर लेना शुरू कर दी या चलो 1500 लेना शुरू कर दी, तो हमारा वेट लॉस खुद ब खुद पॉसिबल है। इसमें कोई आपको कोई नहीं रोक सकता वेट लॉस करने के लिए। तो अगर आप खाना कम खाना शुरू कर दें, आपकी जो है खुद ब खुद वेट गिरने लगेगा। और जो लोग मुझसे पूछते हैं कि किस तरीके से मेनटेन करें वेट लूज़ करने के बाद, तो आप नॉर्मल जब ईटिंग करेंगे, नॉर्मल खाना लेते रहेंगे, कैलोरीज आप नॉर्मल लेंगे, तो आपका वेट क्यों बढ़ेगा? सोचने वाली बात है ना यार, अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए, आपका क्यों बढ़ेगा? अगर आप 2000 कैलोरीज से जितनी हमें नीड है उससे ज़्यादा कैलोरीज लेंगे, तो लाजमी सी बात है आपका वेट बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर आपने वेट लूज़ कर लिया है, जैसे सपोज़ आपका वेट लूज़ हो चुका है और अभी इस वक्त आपका वेट है 55, ठीक है, एक सपोज़ बात बता रही हूँ, और उसके बाद आपने डाइट छोड़ दी और आपने खाना पीना शुरू कर दिया, तो एकदम खाने पीने से ये होगा कि एक आध केजी बाउंस बैक होगा, ठीक है, एक आध केजी बढ़ गया, 58 हो गया, 56 हो गया, उसके बाद जो है बॉडी उतनी ही कंज्यूम करेगी, बॉडी को उतनी ही आदत रहेगी जितना आप नॉर्मल खाना खाते रहेंगे। एक आध केजी बढ़ने के बाद आपका वेट फिर नहीं बढ़ेगा, वहीं स्टक हो जाएगा। ये मेरा आजमाया हुआ है, मैंने खुद अपने पे अप्लाई किया है। तो आपने जो है सिंपल घर का खाना खाना है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगी आप यही चीज़ खाओ तो इससे ही आपका वेट लॉस होगा, आप ये चीज़ ना खाओ। आपने बस ऑयली चीज़ें ख़त्म कर देनी है अपनी ज़िंदगी से, शुगरी आइटम्स, जो चीनी चाय की चीनी आप छोड़ दें, स्टेविया लें आप, स्टेविया नहीं तो आप सुक्राल लें, सुक्राल से ये होता है जो पाकिस्तानी ब्रांड, उससे थोड़ा सा ना चाय का टेस्ट चेंज हो जाता है, मुझे ऐसा फील होता है। तो अच्छा, मैं जो मैंने कार्ब्स थोड़े कम कर दिए थे, रोटी चावल वगैरह कम कर दिए थे, खाती थी मैं जब अच्छा पसंद का सालन बनता था तो मैं रोटी बना लेती थी अपनी, और जौ की रोटी इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, अब ये है कि अगर नहीं होता तो मैं ये जो वेजिटेबल्स दिखा रही हूँ ना आपको, मैं ये सिर्फ बिल्कुल ग्रीस हुए हुए पैन में सौते करती हूँ, बिल्कुल मतलब ऑयल ना होने के बराबर होता है। तो इस और इसमें अपने सीजनिंग अपनी मर्ज़ी से कर लेती हूँ, नमक डाल लेती हूँ, थोड़ा सा चिकन पाउडर, इस तरह टेस्ट डेवलप कर लेती हूँ, और एक एग है, एग में प्रोटीन होता है, और सालन की जो सिंपल बोटी है ना, मैंने कोई अलग से कुछ भी नहीं किया, घर में जो सालन बना था मैंने उसकी सिर्फ बोटी निकाली और बस ये मेरा डिनर हो गया। तो मैं सिंपल खाना और फिर आपको यकीन कीजिए 10 से 15 दिन में आपकी बॉडी यूज्ड हो जाएगी, आपको आदत हो जाएगी। शुरू का एक हफ़्ता, शुरू के देखो 3 से 4 दिन थोड़ा आपको मुश्किल लगेंगे, आपने लेकिन कंसिस्टेंसी रखनी है, आपके दिमाग को आपको ने ये चीज़ रखनी है कि मुझे करना है। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है इंसान को ना, सब्र चाहिए होता है, तो आप अपने अंदर थोड़ा सा स्टार्टिंग में सब्र लेकर आएँ। अगर अच्छा खाना देखते हैं थोड़ा सा दिल मजबूत करें, देखें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आपको प्लेट में सजा कर जो है हर चीज़ मिल जाएगी रेडी, ऐसा तो नहीं है ना। हर चीज़ का यही रूल है कि आपको थोड़ा सा कुर्बानी भी देनी पड़ती है। तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा बर्दाश्त करें, उसके बाद आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी, आपका एक आध के जी भी गिरेगा ना तो आपको इतनी खुशी होगी, आप फिर मोटिवेशन आपको असल में तब मिलेगी। अभी आप मुझसे इंस्पायर होंगे, इंस्पिरेशन मुझसे मिल जाएगी आपको और आप स्टार्ट करेंगे, लेकिन असल जो बोलते हैं ना अंदर की जो मोटिवेशन आपको मिलेगी वो तब मिलेगी जब आप अपना खुद का वेट स्केल पे देखोगे कि मेरा वेट कम हो चुका है, तो आप बोलो कि मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। तो उसके बाद आप वही चीज़ दोबारा करोगे, वही चीज़ आप डेवलप अगेन करते रहोगे, इंशाल्लाह वेट लॉस होता रहेगा। समझ आ गई इतनी बात? तो बस आपने घर का खाना खाना है, सिंपल खाना खाना है। अगर आपको पराठा खाने की आदत है, नाश्ते में बोलोगे कि नहीं मैं कैसे खाऊंगी, पराठा खाती हूँ, ब्रेड खाती हूँ, मैं क्या करूँगी, तो आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में आप पूरा पराठा खाते हो ना, आप उसे हाफ़ कर लो, ठीक है, आप हाफ पराठा खाना शुरू हो जाओ। और लंच में आपने कोई सीजनल फ्रूट ले लिया, सैलेड ले ली, सैलेड नहीं तो सौते वेजिटेबल ले लिया अगर आपसे सैलेड नहीं खाई जाती। रात को यह है अगर आप एक चपाती खाते हो उसे आधी कर दो, ठीक है। इतना समझ आ गया आपके? आपको जो नॉर्मल खाना बन रहा है घर में, राइस बनते हैं अगर, तो आप राइस की प्लेट को बिल्कुल छोटी कर दो, आप खाने के लिए सबसे छोटी वाली प्लेट लो, स्टार्टिंग का बता रही हूँ बिगनर्स के लिए। घर में कोई भी सालन बनता है आप उसमें से सिर्फ एक बोटी लो, चिकन बनती है, बीफ बनता है, एक बोटी लो और थोड़ा सा शोरबा ले लो, थोड़ा सा सालन ले लो, कोई भी चीज़ बनती है, ठीक है जी।
जब एक आध हफ्ते में आपकी बॉडी को आदत हो जाए उसके बाद आप मेरे डाइट प्लान देख सकते हो कि मैं क्या रेसिपीज़ लेती हूँ, आप वो रेसिपीज़ में वो ही ले सकते हो। अभी स्टार्टिंग का मैंने आपको बता दिया, आप स्टार्टिंग में ऐसा करें और उसके बाद मेरे डाइट प्लान देख लें। अभी मेरे साथ डाइट स्टार्ट कर दें क्योंकि मैं इस वक्त खुद भी डाइट प्रोसेस में दोबारा से हूँ, तो इसलिए आप दोबारा से स्टार्ट कर दें मेरे साथ साथ। आपको समझ नहीं आ रहा तो न्यू आइडियाज़ मेरी वीडियो से ले लें, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इस तरह लेकर आती रहूँगी, मोटिवेशन आपको देती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।